छोटे से बड़ी होती है। एक छोटा सा बीज अगर हमने डाला है तो एक बड़ा सा पेड़ बन जाएगा। छोटा सा बच्चा अगर लड़का है तो बड़ा होके आदमी बनेगा, और अगर लड़की है छोटी तो बड़ी होके औरत बनेगी। लिविंग थिंग्स को सोना भी चाहिए, उनको आराम की भी जरूरत होती है। जो लिविंग थिंग्स होती है उनके भी आगे बच्चे होते हैं, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। उन्हें कोई डांटे कोई मारे तो उन्हें जल्दी से हर्ट हो जाता है, फील होता है उन्हें, वो बहुत जल्दी फील करते हैं। उन्हें कोई मारता तो उन्हें अच्छा लगता नहीं, कोई डांटता है तो उन्हें आपको डांटती तो आपको अच्छा लगता है, आपको नहीं अच्छा लगता ना। उसी तरह जो भी लिविंग थिंग्स है किसी को भी अच्छा नहीं लगता, हमें कोई मारे नहीं अच्छा लगता, उसी तरह अगर हम बर्ड्स को एनिमल्स को भी मारेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा नहीं। लिविंग थिंग्स जो होती है फाइनली जब वो बहुत ज़्यादा जी जाती है, उनकी एज हो जाती है, तो वो लास्ट में मर जाती है। समझ में आया? आज मैं आपको इस लेसन के थोड़े हार्ड वर्ड्स लिखना सिखाऊंगी। हार्ड वर्ड्स क्या होता है? जो वर्ड्स होते हैं हमें आते नहीं हैं, तो हम फोनिक साउंड से उसको बोलते हुए लिखेंगे। तो आप सभी बच्चे तैयार हैं मेरे साथ लिखने के लिए? चलो पहले हम लिखेंगे लिविंग। कैसे लिखना है देखो, ये ब्लू रेड में आपको ऐसे स्लाइडिंग करके स्टैंडिंग टर्न डाउन एल मैडम बोलेगा कैसे लिखेंगे। आई बी आई एन जी और डाउन की लेटर में टच करेंगे। आप जब लिखने लिखते हो तो आपकी पेंसिल पूरा स्पेलिंग फिनिश होने के बाद उठनी चाहिए। समझ में आया सभी को? ये लिविंग। नेक्स्ट इज थिंग, तो ब्लू से स्टार्ट करें। BHIMS थिंग्स, ओके। नाउ नेक्स्ट इज लाइफ, जी आर
बी, फिर सी, एस एल ई। अब हम इसको रीड करना सीखेंगे। किस तरह से रीड करना है देखो, ल ई व इन, लिविंग, लिविंग मतलब जीना। आई एन जी को इन बोलते हैं, यहाँ पर मैंने लिख के बता दी एस थ आई एन जी इन, ई आर और ओ आर को भी और बोलते हैं। टी एच को क्या बोलेंगे, थ आई एन जी इन थिंग। ल ई फ लाइफ, फ द फूड, व ए टी आर टर वॉटर, ए अर एयर, इसमें आई क्या है साइलेंट है, ब र ई अ थ ब्रिक, म उ व मु, इसमें ई क्या है साइलेंट है, ग र ओ व ग्रो, ट र ई ई ट्री, ब ए ब ई बेबी, स ल ई ई प स्लिप। अब समझ में आया। अब आप सबको बताना चाहिए लिविंग मतलब क्या होता है। जो जीते हैं, एनिमल्स हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, पेड़ पौधे जो भी जीते हैं उसको लिविंग बोलते हैं। थिंग्स, थिंग्स मतलब चीजें, क्या चीजें जो जीती हैं, इंसान है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, पेड़ हैं, ये सब जीते हैं, ये सब लिविंग थिंग्स में आते हैं। लाइफ मतलब जिंदगी, जीने को क्या बोलते हैं जिंदगी। फूड मतलब खाना, वाटर मतलब पानी, एयर मतलब हवा, है ना। हम ऐसे कागज से बुक से हवा करते हैं, जब लाइट नहीं होती पंखा चलता है तो हमें हवा आती है, ये क्या है हवा, इसे क्या बोलते हैं एयर। ब्रीथ, सांस लेना, उसको क्या बोलते हैं ब्रीथ। मूव मतलब चलना, ग्रो मतलब छोटे से जो बड़े हो जाते हैं उसे ग्रो बोलते हैं। आप पहले प्ले ग्रुप में थे, छोटे बच्चे थे, घर के रहते थे, फिर धीरे धीरे स्कूल आए, प्ले ग्रुप में पढ़े, जूनियर में पढ़े, आप सीनियर में आए, तो आप क्या हो गए धीरे धीरे बड़े हो गए, आप के जी सेक्शन के आप सबसे बड़े बच्चे हो गए। ट्री मतलब बड़े से पेड़, बड़े बड़े पेड़ होते उसे ट्री कहते हैं। बेबी, छोटा बेबी होता है जिसको मम्मी खाना खिलाती है, नहलाती है, कपड़े पहनाती है, उसका सब काम करती है, वो छोटा बच्चा, उसे कुछ आता नहीं है, है ना। स्लीप मतलब सोना, हम पूरा दिन काम करते हैं उसके बाद थक जाते हैं, थकने के बाद हमारी बॉडी को भी आराम करने की जरूरत होती है, हमारी बॉडी भी थक जाती है, वो एक मशीन है जो चलती रहती है, जब तक आप चला के चलेगी, लेकिन उसको अगर आराम नहीं दिया तो वो बंद हो जाती है, ठीक है। तो आप सभी बच्चों को ये वर्ड्स कॉपी करके नोटबुक में लिखने हैं और उसको पढ़ने की कोशिश करनी है। आप सभी बच्चों के पास ये साइंस की बुक है, इसका नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें हमने पहला चैप्टर सीख लिया है लिविंग थिंग्स। अब मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आ गया होगा लिविंग का मतलब क्या होता है। हम कल उसके नेक्स्ट वीडियो में इसके हार्ड वर्ड्स आपने नोटबुक में लिख लिए हैं, अब हम इसकी एक्सरसाइज करने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आप सभी बच्चे घर में इसको पिक्चर को देखकर समझना और उसको रीडिंग करने की प्रैक्टिस करना, ठीक है। सभी बच्चे घर में करें।